आपके पास अगर SBM का इस तरह का पासबुक है तो आप पिन कैसे करेंगे, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से SBM का ये जो बॉक्स वाला पासबुक है किस तरह से पिन कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। मेरे पास SBM का पासबुक नहीं है, तो मैं इस पासबुक के ऊपर SBM का जो पासबुक होता है उसका पेज को चिपका दिया। चिपका के मैं पिन करके दिखाऊंगा PLQ20 से। देखिए इस तरह का एक एक्सेल का एडवांस मेल आपको दिया जाएगा, इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आएगा। मैंने एक डेटा सेव करके रखा है, तो डेटा एंट्री इस तरह से होता है, यहाँ से डेटा एंट्री होता है। देखिए एक डेटा सेव किया हुआ है, तो इतना मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट देंगे, प्रिंट देने के बाद आप एंटर करेंगे तो इस तरह का लोगो आएगा आपका। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, व्यू करेंगे, और एक काम कर लेना, इसमें पासबुक पिन ऑप्शन कर लेना, तो आपको पता चलेगा बाद में किस किस का पासबुक अपडेट हुआ है। तो इस तरह का एक बार व्यू कर लेंगे। व्यू करने के बाद अगर पिन देंगे, मेरे अभी ये प्रिंटर डिफॉल्ट प्रिंटर PLQ20 को किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये पासबुक को PLQ20 के अंदर देखिए डाल लिया। अब यहाँ से मैं इसको प्रिंट दे रहा हूँ, देखिए प्रिंट ले लिया। देखिए प्रिंट हुआ है, मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, कोई इसमें नहीं है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट आया है, देखिए जहाँ पे चाहिए था उसी जगह पर। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, आप इसको सही कर पाएंगे। आप इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ओके कीजिए, एग्जिट करके आप इसको क्लोज कर दीजिए। एक बार मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर क्या करना है अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे अगर सेट बिल्कुल सही जगह पे नहीं आता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो पहले आपको करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है। करने के बाद आपको मैक्रो को डिसेबल करना होगा, इस तरह से डिसेबल कर लेंगे। अगर आपको डिसेबल ये हो गया, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो आप इसको आपको जाना है एक्सेल ऑप्शन में, यहाँ पे जाके ट्रांस सेंटर सेटिंग, और यहाँ पे देखिए ये एनेबल रहेगा आपका, डिसेबल करके ओके करना है। इतना करेंगे, करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। फिर दोबारा इस फाइल को, जो फाइल आपको दिया था वही फाइल को ओपन कीजिए। देखिए इस जगह पे ओपन होगा, इसमें अगर थोड़ा बहुत कमियाँ होगा तो आप इसको, जैसे अगर बाहर निकल रहा है तो इस तरह से आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। जैसे अगर ऊपर से थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना है, जैसे दिख रहा है, अगर जैसे देखिए यहाँ पे जैसे KO कोड थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो आप KO कोड को थोड़ा सा ऊपर घिसका सकते हैं, इस तरह से आप प्रिंट कर पाएंगे।